जय गणेश, नमस्कार, जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा सोमति और बहुमति अमावस्या का महात्म्य। यह महात्म्य सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह अमावस्या का महात्म्य हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति इससे कृतार्थ हो सके। आगामी जो भी सोमति अमावस्या या भौमति अमावस्या का उद्यापन या व्रत इत्यादि करें तो उनको यह सावधानियां और विशेष प्रकार की पूजाओं का ज्ञातव्य हो। आइए चलते हैं, क्या है महात्म्य? सोमवार से युक्त अमावस्या या भौमवार यानी मंगलवार से युक्त अमावस्या शास्त्रों में विशेष महात्म्य कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सोमवार और अमावस्या का योग कभी कभी होता है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करके पूजन आदि करने का विशेष महत्व माना जाता है। विशेषकर सोमेश्वर महादेव की पूजा करने से कोटि यानी करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अमासो में न संयुक्ता कदाचित यदि लभ्यते तस्याम सोमेश्वरम दृष्ट्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। यानी सोमति अमावस्या को तीर्थ स्नान, जप पाठ एवं ब्राह्मणों का भोजन, वस्त्र, दक्षिणादि सहित दान करना विशेष पुण्य फल प्रद माना गया है। पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार यदि अमावस्या के दिन सोमवार या भौमवार या गुरुवार को हो तो उस योग को पूर्व में पुष्कर योग कहा गया है। इन योगों का फल सूर्य ग्रहणों में किए हुए दान पुण्य से 100 गुना अधिक पुण्य फल होता है। अगर पुष्कर योग में कोई दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करता है तो उसका पुण्य फल 100 गुना अधिक कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार सोमवार की दिन अमावस्या या भौमवार की अमावस्या या गुरुवार की अमावस्या हो तो उस योग को पुष्कर योग कहते हैं। अमासो मे तथा भोवे गुरुवारे यदा भवेत तत्पर्वं पुष्करं नाम सूर्य पर्वता शताधिकम्। स्नान दान आदि पुण्य कर्मों में मंगलवारी अमावस्या भी सोमति अमावस्या के समान मनानी चाहिए। यदि मंगलवारी अमावस्या हो तो गंगा के स्नान मात्र से सहस्त्र गोवों के दान का फल प्राप्त होता है। अपि सोमवती समागया अमावस्या भवे द्वारे यदा भूमि सुतस्य वै जानवी स्नान मात्रेण सहस्त्र गो फलम लवेत। हेमाद्रो शाता तपह के अनुसार यह श्लोक आया है। इस श्लोक के अनुसार सोमवार या भौमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो उस दिन आप गंगा के स्नान करने मात्र से सहस्त्र गोओं के दान का फल प्राप्त करते हैं। सोमवार से युक्त अमावस्या हो तो वह अनंत फल देने वाली और पितृगणों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय पुण्य फल देने वाला होता है। सोमवारेण संयुक्ता अमावस्या यदा भवेत तत्रा अनंत फलम श्राद्धम पितृणाम दत्त भक्षयम्। सोमवती एवं मंगलवारी अमावस्या के विशिष्ट योग में पितृ दोष शांति, संपदा संबंधी परेशानी, लड़के लड़की के विवाह में विलंब, संतान और क्लिष्ट रोगों की शांति तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा शुद्धि, स्नान दान, जप पाठ आदि का विशेष महात्म्य होता है। इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री विष्णु एवं भगवान शंकर चंद्र पूजन तथा पीपल वृक्ष की गंगा जल, तिल युक्त दुग्ध, पुष्पा अक्षत एवं फल फूल मिठाई आदि से, धूप दीप आदि से पूजन करके 108 प्रदक्षिणा के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन, वस्त्र, फलों का दान करने का विशेष महात्म्य होता है। इस दिन अगर आप ये पुण्य फल पुण्यदायिनी कर्म करते हैं तो आपको भगवान शिव और विष्णु के पूजन का सहस्त्रों गुणा फल मिलता है। अतः आप इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, शिव मंदिर में भगवान शिव की 108 प्रदक्षिणा करें और हो सके तो 16 उपचार नहीं तो 10 उपचार या 5 उपचार मानसिक पूजा अवश्य करें और 108 प्रदक्षिणा करें भगवान शिव के मंदिर की या भगवान विष्णु के मंदिर की।
ये न हो सके तो पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। पीपल में सभी देवताओं का निवास होता है। सोमवती और भोमती अमावस्या का यह महात्म्य इस प्रकार से करें तो आपको हजारों गुना पुण्य फल प्रदान होता है। आप इस प्रकार से भूमती और सोमती महात्म्य का महात्म्य सुना, इस महात्म्य को आप औरों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका पुण्य फल और पुरुषार्थ मिले, और आगे भी आप अन्य लोगों को शेयर करने का कहिए ताकि सभी शेयर करें। जय मां भवानी, जय श्री राम।